तो देखिए आज के इस वीडियो में आपके लिए काफी सुंदर जो है बेबी का सूट लेके आई हुई हूँ ये देखिएगा इस तरीके से ऊपर से इसकी जो है कोट की जो है बास्केट बनी हुई है अंदर से शर्ट है टू इन वन स्वेटर हमने बना के तैयार किया है काफ़ी आसान है और सुंदर बन के तैयार होता है बेबी बॉय के लिए बनाया है छः महीने से अठारह महीने के बच्चे को ईजली आ जाएगा किसी भी एज ग्रुप के लिए आप बना सकते हैं इसी तरीके से आगे वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आप इस तरीके का जो है बेबी बॉय के लिए स्वेटर बना पाएंगे ये देखिए बैक से इसका इस तरीके का लुक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए देखिए इस बेबी बाबा सूट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके की ये जो ओसवाल की हमारी थ्री प्लाई की वूल आती है उसे लिया हुआ है अब मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे फोर्टी स्टिचेस डाले हुए हैं फ्रंट पार्ट के लिए मैंने डिज़ाइनर स्टिचेस डाले हुए हैं ये डिज़ाइनर स्टिचेस अगर आप बिगनर हैं अगर आपको नहीं आते हैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ से देख के बना सकते हैं उसके बाद जैसे हम कार्डिगन बनाते हैं एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स बनाने हैं ये मैं लेफ़्ट पार्ट बना के आपको बता रही हूँ इसमें हमने लेफ्ट पार्ट में बटन होल भी साथ में डालने हैं तो यहाँ पे फोटी स्टिचेस लिए हुए हैं ये जो है मैं बना रही हूँ छः से अठारह महीने के बच्चे के लिए इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पार्ट में फोटी स्टिचेस डाले हुए हैं अब मैंने इसका बॉर्डर बना देना है टू पॉइंट थ्री इंचज का यानी कि ढाई इंच से दो पॉइंट कम का बॉर्डर वो मैं मेज़रमेंट करके आपको बता दूँगी किस तरीके से आप इसे मेजर करेंगे बॉर्डर कैसे बनाना है देखिएगा बिगनर्स के लिए दिखा रही हूँ दो फंदे सीधे धागा आगे लाके, दो फंदे उल्टे का इस तरीके से बस यही आपने रिपीट करना है दो फंदे सीधे और दो उल्टे का उल्टी साइड जो फंदा आपको जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बना देंगे और 2.3 इंच का बॉर्डर बना के तैयार करेंगे अगर आप बिगनर्स हो ये वाला बॉर्डर समझ में नहीं आया तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं तो अब आप इसका बॉर्डर बना लीजिए टू इंचज़ का यहाँ पे देखिएगा हमने अपने बॉर्डर बना के तैयार कर दिया है दो सीधे दो उल्टे फंदे का देखिएगा यहाँ पे ये देखिए टू पॉइंट थ्री इंचिस का बॉर्डर मैंने तैयार कर दिया है अब क्या करना है ये लेफ़्ट पार्ट है हमारा इसमें हमने क्या करना है थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड कर देना है कैसे करेंगे पहले तो हमारे फिफ्टीन स्टिचेस आएंगे सेंटर में टेन और फिर फिफ्टीन राइट साइड में आपने सब कुछ सीधे सीधे बनाना है सिर्फ जो चेंज आएगा वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैं पहले ये फिफ्टीन स्टिचेस बनाती हूँ थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन अब जो सेंटर के हमारे टेन स्टिचेस हैं उन्हें हमने ट्विस्ट करना है कैसे करना है हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करना है फाइव स्टिचेस को फ्रंट से जो हमारे लेफ्ट साइड के होंगे उन्हें हमने राइट साइड की तरफ करना है फ्रंट से कैसे देखिएगा वन टू थ्री फोर फाइव ये वाले ऐसे ही रहने दीजिए वन टू थ्री ये हमारा फोर और वन टू थ्री फोर और ये फाइव स्टिच मैंने अपनी जो है नीडल में इंसर्ट कर दिए डबल पॉइंटेड में ये वाले में वन टू थ्री फोर फाइव इस पर निकाल दूँगी अब ये फ़ायव भी मैं गिरा दूँगी इस तरीके से फिर ये वाले फाइव जो हैं इस साइड के ये मैं अपनी नीडल पे इस तरीके से डाल दूंगी इस वाली पे वन टू थ्री फोर और फाइव अब ये जो है ये वाले हमने फ्रंट से बनाने हैं आप चाहे तो इस पे चढ़ा के बना लीजिए या इससे उतार के इन पाँच को आपने सीधा बना देना है वन टू थ्री फोर और ये आपका फाइव ये फाइव हो गया और ये फाइव भी आपने सीधा बना देना है वन टू थ्री फोर और ये फाइव अब ये वाले फ़िफ्टीन स्टिचेस आपने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन स्टिचेज आपने सीधे बना दिए हम यहाँ पे बटन होल डालेंगे ये हमारा लेफ्ट पार्ट है तो धागा आगे लाएंगे जाली डालेंगे दो का एक करेंगे यहाँ पे हमारा होल जो है बटन के लिए इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा फिर हम वन टू थ्री स्टिचेज सीधे बना देंगे टर्न हो जाएंगे रॉन्ग सिलाई में क्या करेंगे ऐसे ऐसे ही उतारेंगे धागा पीछे करेंगे और स्टार्टिंग के फिफ्टीन स्टिचेज यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन और ये फिफ्टीन स्टिचेस मैंने सीधे बना दिए सेंटर के टेन स्टिचेस में उल्टे बनाऊंगी रॉन्ग साइड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन अब ये वाले भी स्टिचेस मैं सीधे बना दूंगी आपने क्या करना है राइट right साइड में सारा सीधा जाएगा रॉन्ग साइड में आपके साइड साइड के फिफ्टीन स्टिचेस जो हैं सीधे जाएंगे यानी कि ये राइट right साइड से भी सीधे और रॉन्ग साइड से भी सीधे जाएंगे ये हमारी रो वन और टू कंप्लीट हो गई अब हमने क्या करना है यहाँ पे टोटल हमने और जो है टेन रोज़ बना देनी है टेन रोज़ में हम कोई भी ट्विस्ट नहीं करेंगे राइट साइड हमारी सारी सीधी सीधी जाएगी और रॉन्ग साइड में हमारे फिफ्टीन स्टिचेस जो हैं साइड साइड के वो सीधे और सेंटर के टेन जो हैं वो हमारे उल्टे जाएंगे। तो टेन रोज़ कंप्लीट कर दीजिए फिर नेक्स्ट अलेवन रोज़ पे आपके आपने इसी तरीके से ट्विस्ट करना है जो मैंने ट्विस्ट आपको बताया हुआ है यहाँ पे किस तरीके से आपने ट्विस्ट करना है यानी कि टोटल आपकी ट्वेल्व रोज़ की जो है ये एक पैटर्न पड़ेगा इसमें जिसमें आपने फर्स्ट रो में ट्विस्ट करना है सेकंड रो आपकी जैसी चल रही है वैसी ही जाएगी फिर टेन रोज़ आपने बना देनी है सीधी सीधी सीधी, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से फिफ्टीन स्टिचेस जो है सीधे सेंटर के जो हैं टेन उल्टे और ये वाले फिफ्टीन जो है सीधे बना देनी है ट्वेल्थ ट्वेल्व रोज़ का ये पैटर्न चलेगा ट्वेल्व रोज के बाद सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है ट्विस्ट करना है तो कितना इंचेस बना लेंगे इस तरीके से मैं आपको बताती अब इसी तरीके से डिज़ाइन डालते जाएंगे टवेल्थ ट्वेल्थ रोज़ का आप एट इंचज बना के तैयार कर देंगे सेम टेन यहाँ पे सॉरी फिफ्टीन और फिफ्टीन स्टिचेस सेंटर में टेन स्टिचज जिन्हें आपने ट्विस्ट करना है उसके बाद ट्वेल्व रोज बनाने के बाद दोबारा से ट्विस्ट करना है हर बारी आपने ट्विस्ट कैसे करना है लेफ्ट से राइट की तरफ मैंने दिखा दिया है कैसे करेंगे अब मैं ट्वेल्व रोज़ बनाऊंगी फिर दोबारा से सेम यही जो है डिज़ाइन में करूंगी कैसे बनाऊंगी देख लीजिएगा राइट सिलाई आप सारी जो है सीधी सीधी बना लीजिए और उल्टी साइड से पहले पंद्रह फंदे सीधे दस फंदे बीच वाले जो है उल्टे और फिर बाकी के जो है आपके और साथ में ध्यान दीजिएगा जितने भी आपने बटन लगाने होंगे यहाँ पे गैप डाल के इस तरीके से बटन होल अपना डालते जाएगा लेफ्ट पार्ट है ये आपका इसी तरीके से इसे कंटिन्यू कीजिए देखिएगा हमने बना के कंप्लीट कर दिया है यहाँ तक जैसे मैंने आपको बोला था डिज़ाइन जो है आपका बारह बारह सिलाई का है बारह सिलाई के बाद आपको ट्विस्ट करना है लेफ्ट से राइट साइड की तरफ इस साइड आपकी फ़िफ्टीन स्टिचेस है ट्विस्ट जो है आपने टेन स्टिचेस पे करना है और इस तरफ आपके फिफ्टीन स्टिचेज़ हैं तो हम इसे बनाते गए हैं टोटल में आपकी अब देखिएगा यहाँ पर इसकी लेंथ जो है बॉर्डर से हमने आठ इंचज की बना के तैयार कर दी है ये देखिएगा आप आठ इंच की लेंथ इसकी बन के तैयार हो चुकी है अब क्या करना है ये वाली सिलाई तो आप ये हम लेफ़्ट वाला पार्ट बना रहे हैं तो इसमें आपने क्या करना है यहाँ पे ये वाली सारी सिलाई आप सीधी सीधी कर लीजिए इसमें हम ट्विस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्विस्ट किया हुआ है अगर आपका ट्विस्ट आया होगा यहाँ पे तो आप ट्विस्ट कर लीजिएगा बाकी सेम आपका सीधे सीधे जाएगा ये रो हमने सारी जो है सीधी सीधी कर दी है अब इसके रॉन्ग साइड में आए हैं लेफ्ट पार्ट है जो तो रॉन्ग साइड में हम इसके फंदे घटाएंगे। जो हमारा राइट पार्ट होगा उसमें हमने स्टार्टिंग में ही अपने फंदे घटाने हैं कैसे घटाएंगे? पहला फंदा बिना बुने उतार दीजिए फिर इसके अगले वाले इस तरीके से दो का एक कर लीजिए फिर धागा पीछे करके जो आपके फंदे यहाँ पे सीधे आप बनाते आ रहे हैं उल्टी सिलाई से उन्हें सीधा बना लीजिए और जो उल्टा बनाते आए हैं उन्हें उल्टा बना के इस रो को कंप्लीट कर लीजिए नेक्स्ट रो में दोबारा से सारी रो आपकी सीधी सीधी जाएगी अगर आपका ट्विस्ट वाला डिज़ाइन आया है तो उसे ट्विस्ट कर लीजिए बाकी एज इट इज़ जो आपकी रो चल रही है उसे वैसे ही चलाइए अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है एक फंदा बना लेंगे अगले पे दो का एक कर देंगे टोटल पंद्रह फंदे हैं तो हमारे पास पांच फंदे रहने चाहिए अब हर रॉन्ग सिलाई में यहाँ पे आके एक फंदा बना के नेक्स्ट पे दो का एक करूँगी जब तक मेरे ना दस फंदे क्लोज़ हो जाएं तब तक इसी तरीके से फंदे अपने डिक्रीज़ कर लीजिए यहाँ पे देखिए मैंने फंदे क्लोज कर दिए हैं एक फंदे के बाद टोटल मैंने दस फंदे क्लोज किए हैं मेरे पास अब एक दो तीन चार पाँच फंदे रहे हैं इस साइड के लिए ये रो कंप्लीट कर दी है अब जब आप राइट जो है पार्ट बना रहे होंगे इसका तो आपने ये वाली कटिंग जो है स्टार्टिंग में ही करनी है और जो ये कटिंग मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ये कटिंग आपने यहाँ पे करनी है अब यहाँ पे सीधे सीधे मैंने दस फंदे क्लोज कर देने हैं दो का एक करके इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ और ये लास्ट में हमारा दस फंदे हमने क्लोज़ कर दिए देखिएगा ये दस फंदे मैंने क्लोज़ कर दिए यहाँ पे यहाँ पे एक एक करके जो है यहाँ पे दस फंदे क्लोज कर ली इस तरीके की शेप आई है जब आपके दस फंदे क्लोज हो जाएंगे उसके बाद ही आप ये दस फंदे क्लोज़ करेंगे अब टोटल आपके पास जो है दस फंदे ये रहे पांच ये वाले और पांच ये वाले यानी कि ट्वेंटी स्टिचेस रहे अब ये ट्वेंटी स्टिचेस आपने जैसे डिज़ाइन डालते आ रहे हैं टेन स्टिच का वैसे ही डालेंगे साइड साइड पे ये पांच फंदे सीधे बनाने हैं सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी जब तक आपकी शोल्डर की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी उसके आगे क्या करना है वो मैं आगे, आगे आपको बताती हूँ पहले ये मैं ऐसे ही बनाऊँगी सेंटर के दस फंदों का डिज़ाइन और साइड साइड के पाँच पाँच फंदे सीधे दोनों तरफ से देखिएगा यहाँ पे जो हमारे बीस फंदे थे वो मैंने आम होल से लेके शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट कर दी है टोटल इसकी लेंथ मैं आपको मेजरमेंट करके बता देती हूँ यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी लेंथ पाँच इंच की हमने बना के तैयार कर दी है अब क्या करना है अब हमने फंदे उठाने हैं अपने सेकंड कलर के धागे से कैसे उठाएंगे? देखिएगा जहाँ से ये वाली कटिंग हमने स्टार्ट की थी इसे हम इस तरीके से टर्न कर लेंगे बिल्कुल जहाँ से कटिंग स्टार्ट की थी वहाँ से हम अपने सेकंड कलर से फंदे उठाना स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे। देखिएगा फंदे आप उल्टे उठाइएगा अंदर की तरफ इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ देख लीजिएगा ताकि आपका जो है सीधा साइड जो है फ्रंट की तरफ आए और उल्टा बैक की तरफ इस तरीके से टोटल आपने फोटी स्टिचेस उठा लेने हैं देखिएगा इस तरीके से ये उठाया आपने फिर इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये वाला छोड़ दीजिए इसके नेक्स्ट वाला इस तरीके से ये छोड़ के इसके नेक्स्ट वाला इस तरीके से आप मैं 40 स्टिचेस जो है इसी तरीके से उठा लेती हूँ देखिएगा इस तरीके से मैंने फंदे उठा लिए हैं ये मेरी सीधी तरफ आएगी और ये उल्टी तरफ इस तरीके से टोटल मैंने 40 स्टिचेस उठाए हैं आप जब तक मेरे पास छः फंदे ना रह जाएं तब तक मैं इसे सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर दूंगी देखिएगा यहाँ पे आप मेरे पास छः फंदे आ गए हैं ये छः फंदे हमने उल्टे बनाने हैं ये हमारी बटन पट्टी के लिए फंदे हैं पहले तो यहाँ पे मैं एक बटन होल जो है डाल दूँगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड है यहाँ पे हम बटन होल डाल रहे हैं एक दो तीन तीन के बाद जाली डाल दी और ये दो का एक कर दिया यहाँ पर मेरा बटन होल बन जाएगा धागा आगे ला ये वाला उल्टा यहाँ से टर्न हो जाएंगे ये वाला फंदा जो है बिना बुने उतार लीजिए और अगले जो फंदे हैं आपके वो सारे उल्टे जाएंगे क्योंकि ये रॉन्ग सिलाई है इसमें ये सारे हमारे फंदे उल्टे जाएंगे बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपने जिस साइड से बटन पट्टी बनाई हुई है उसी के ऊपर आपने छह फंदों की बटन पट्टी बनानी है बाक़ी आपका सीधा जाएगा इसमें कोई भी आप डिज़ाइन नहीं डालेंगे छः फंदों की जो है बटन पट्टी डाल दीजिए बाकी सीधी साइड से सीधा और उल्टी सिलाई तो आपकी सारी उल्टी जाएगी और साथ साथ में जिस गैप में आप बटन होल डाल रहे हैं वो भी डाल दीजिए टोटल अब आप इसी तरीके से ना कोई फंदा घटाएंगे ना बढ़ाएंगे इसकी तीन इंच की लेंथ कंप्लीट कर देंगे छः फंदों की बटन पट्टी बाकी आपके सीधे फंदे जाएंगे ठीक है यहाँ पे हम राइट साइड पे आए हैं पहले चार फंदे क्लोज किए थे अब तीन फंदे हम दो का एक करके क्लोज कर देंगे एक दो और ये तीन बाकी हमारी स्लाईड जो है ये वाली सीधी जाएगी बटन पट्टी के छह फंदे हम उल्टे बना देंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कर देंगे देखिएगा दोबारा राइट सिलाई पे आए हैं अब हम यहाँ पे जो है दो फंदे क्लोज कर देंगे एक और दो बाकी सारी सिलाई वाली सीधी बटन पट्टी की जगह बटन पट्टी बनाएंगे और उल्टी सिलाई उल्टी करके इसे कंप्लीट कर देंगे देखिएगा दोबारा से राइट सिलाई पे आए हैं अब लास्ट हमारी कटिंग का एक फंदा हम यहाँ पे क्लोज करेंगे इसी के साथ हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई चार तीन दो एक करके अब मैं टोटल यहाँ से दस सिलाइयाँ दे दूँगी जो मेरी पाँच सीधी साइड से होंगी और पाँच उल्टी साइड से होंगी उसके बाद गले की कटिंग करेंगे देखिए यहाँ पे दस सिलाइयाँ मैंने दे दी है आम होल की कटिंग के बाद अब गले की कटिंग करूँगी टर्न हो कि यहाँ से लेफ्ट पार्ट है तो इसमें रॉन्ग साइड से कटिंग होगी जो राइट पार्ट होगा उसे राइट साइड से कटिंग होगी तो जो बटन पट्टी के छः फंदे हैं एक दो तीन चार पाँच और छः मैंने पहले क्लोज कर दिए अब ये सिलाई मैं पूरी उल्टी कर दूंगी और सीधी साइड से पूरा सीधे कर दूंगी दोबारा से रॉन्ग साइड पे आई हूँ पहले यहाँ पे छह फंदे क्लोज़ किए थे अब तीन एक दो और तीन ये वाली सिलाई पूरी उल्टी और सीधी साइड से सीधा करके इसे कंप्लीट कर दूंगी यहाँ पे छह फंदे क्लोज़ किए फिर तीन अब दो फंदे में क्लोज़ कर दूंगी एक और दो अब इसके बाद कोई भी कटिंग नहीं करूँगी अगर आपके पास फंदे ज़्यादा हों तो आप कर लीजिए बट मेरे पास जो जितने फंदे मुझे चाहिए उतने रह चुके हैं मैं दिखाती हूँ आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह और उन्नीस अब मैं यही उन्नीस फंदे लेके अपनी शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट कर दूंगी यानी कि जितना मैंने ये वाला पार्ट अब बनाया हुआ है शोल्डर तक वहाँ तक मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी देखिएगा यहाँ पे इसकी आर्म होल से लेके शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स ले लेंगे और यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा फ्रंट से एक स्टिच उठाएंगे, बैक से एक स्टिच उठाएंगे, और इसका दो का एक कर देंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे एक एक ही स्टिचेस रहें फ्रंट का भी बैक का, फिर तो यहाँ पे हमने दो का एक कर दिया फिर फ्रंट से एक बैक से एक दो का एक इसी तरीके से मैं ये सारे स्टिचेस दो का एक कर दूँगी कंप्लीट हो गया है ये फ्रंट और बैक के दोनों मैंने जॉइंट कर लिए हैं इस तरीके से ये आएगा तो देखिएगा इस तरीके से जो है हमारा लेफ़्ट पार्ट बन के तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये देखिएगा इसी तरीके से मैंने इसका राइट right पार्ट भी बना के तैयार किया हुआ है मैंने आपको साथ साथ में जब मैं ये वाला पार्ट बना रही थी आपको बता दिया है कि किस तरीके से जो है आपने राइट right वाले पार्ट के लिए करना है बाकी सेम ही रहेगा डिज़ाइन भी सब कुछ ये देखिएगा इस तरीके से इसका लुक आएगा ये देखिए अब इसका बैक पार्ट यहाँ पे देखिएगा इसका बैक पार्ट जो है इस तरीके से मैंने यहाँ पे 80 स्टिचेस डाले हुए हैं बॉर्डर बनाया है 2.3 पॉइंट का ऊपर मैंने इसे प्लेन बनाया है कोई डिज़ाइन नहीं डाला हुआ है सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा 80 स्टिचेस हैं तो मैं आपको लेंथ बता देती हूँ यहाँ पे इंचेस में देखिएगा ये देखिए टू पॉइंट थ्री हमारा बॉर्डर है बॉर्डर के ऊपर हमने इसे एट इंचेस तक बना लिया है ये देखिएगा एट इंचेस तक बना लिया है अब उसके बाद हमने क्या करना है इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है हमारे पास यहाँ पे एटी स्टिचेस हैं तो हम फोर्टी स्टिचेस एक साइड लेंगे और फोर्टी स्टिचेस एक साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन और फोटी ये मैंने एक पार्ट में फोर्टी लिए हैं और इस साइड भी मेरे फोर्टी स्टिचेस हैं अब यहीं से टर्न हो जाऊंगी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था जिस तरीके से टू पॉइंट थ्री इंचज़ का आपने बॉर्डर बनाया उसके बाद एट इंचेस तक यहाँ पे बनाया जैसे ये कटिंग की थी सेम एक फंदा उतारेंगे इसके बाद अगले पे दो का एक करेंगे इसी तरीके से आपने कितने फंदे यहाँ पे क्लोज़ किए थे टेन वैसे ही टेन स्टिचेस क्लोज़ करने हैं उसके बाद यहाँ पे सीधे टेन स्टिचेस हमने क्लोज़ कर देने हैं सेम पहले मैं एक एक फ़ंदा घटाती जाऊँगी उल्टी सिलाई में लेफ्ट पार्ट के लिए जब तक मेरे पास दस फंदे कम ना हो जाएं उसके बाद मेरे पास तीस फंदे बचेंगे तीस फंदों में दस फंदे मैं यहाँ के क्लोज़ कर दूंगी एक ही सिलाई में जैसे यहाँ पे किया था फिर बीस फंदों को लूँगी सेम इसी तरीके से मैं आम होल से लेके शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट कर दूंगी फिर ये वाली साइड में जाऊंगी इसमें भी एक फंदा उतार दूंगी फिर यहाँ पे दो का एक कर दूंगी जब तक मेरे पास दस फंदे यहाँ पे जो है घटना जाएंगे फिर जब दस फंदे मेरे यहाँ पे घट गए फिर यहाँ पे मैं दस फंदे घटा दूंगी और बीस फंदों को सेम इसी तरीके से ऊपर तक बना दूंगी फिर सेम जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से वैसे ही यहाँ से मैं इस कलर के धागे से फंदे उठा दूंगी जैसे यहाँ पे बताया है सेम वैसे ही यहाँ पे भी जाएगा उसके बाद तीन इंचज तक उसे बना लूंगी फिर दोनों तरफ से मैं आम होल की कटिंग कर दूंगी फोर थ्री टू वन करके फोर थ्री टू वन करके फिर उसे मैं जितने भी मेरे पास फंदे बचेंगे उन्हें शोल्डर तक की लेंथ तक मैं कंप्लीट कर दूंगी इसी तरीके से मैं बैक पार्ट कंप्लीट कर दूंगी साथ में इसके स्लीव्स भी आपको बता देती हूँ मैंने बनाए हुए हैं इस तरीके से जो है इसके स्लीव्स मैंने बना के तैयार किए हैं इसमें स्लीव्स में मैंने थर्टी एट स्टिचेज़ लिए हैं डिज़ाइनर फंदे डाले हैं फिर मैंने यहाँ पे छह सिलाइयाँ बॉर्डर की कर दी हैं सेम यही दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधों का बॉर्डर बनाया है छह सिलाइयों का उसके बाद दो सिलाइयाँ मैंने इस कलर से की हैं और चार सिलाइयाँ इस कलर से की हैं फिर दो सिलाइयाँ इस कलर से इसके बाद में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है मैंने हर फिफ्थ सिलाई में एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से थर्टी एट से स्टार्ट किया था जब तक मेरे पास सेवेंटी सिक्स ना आ गए उसके बाद इसकी लेंथ कंप्लीट कर दी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ टेन इंचज़ की लेंथ मैंने बना के तैयार कर दी है ये देख सकते हैं आप और उसके बाद सारे फंदे मैंने क्लोज कर दिए तो थर्टी एट स्टिचिज़ लेने हैं उसके बाद बॉर्डर छः सिलाइयों का बनाना है फिर ये डिज़ाइन जो है आपका दो सिलाइयों का ये चार का ये पड़ेगा फिर दो का ये यहाँ से आपने फंदे अपने इंक्रीज करना स्टार्ट करने हैं दोनों तरफ से हर पाँच भी राइट सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ेगा जब तक सेवेंटी एट स्टिचेज़ ना आ जाएंगे उसके बाद लेंथ अपनी कंप्लीट कर दीजिए और दोनों स्लीव आपके तैयार हो जाएंगे बैक पार्ट का भी मैंने आपको बता दिया अब इसी तरीके से आप ये शेप दे दीजिए जो फ्रंट से दी थी ये वाली उसके बाद ये कट कर लीजिए शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट कीजिए फंदे कैसे उठाने हैं बता दिया है अब आपको पूरे फंदे उठाने हैं दोनों तरफ से उसके बाद आपने सिर्फ आर्म होल की कटिंग करनी है बाकी ये कटिंग नहीं जाएगी बैक पार्ट में उसके बाद ऊपर तक बना लीजिए उसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके इसका लुक बताती हूँ यहाँ पे मैंने फ्रंट के और बैक के पार्ट ज्वाइंट कर लिए हैं देखिएगा इस तरीके से जो है अभी इसका लुक आया है बैक पार्ट मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से आपने बनाना है यहाँ से कटिंग करनी है सेम वैसे ही जैसे हमने फ्रंट में की थी फिर इस साइड से भी कटिंग करनी है दस वंदे यहाँ से कम होंगे दस यहाँ से फिर हम यहाँ से दस वंदे डायरेक्टली क्लोज करेंगे फिर शोल्डर तक की लेंथ बना के कम्प्लीट कर देंगे दोनों तरफ की बैक साइड से फंदे उठाएंगे कैसे उठाने हैं यहाँ पे बता दिया है यहाँ पे 80 स्टिचेस लिए थे तो 80 ही उठाएंगे जैसे यहाँ पे 40 लिए थे तो 40 ही उठाए हमने उसके बाद यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है बारह सिलाइयाँ इस कलर से की हैं चार इससे बारह इससे चार इससे इसी तरीके से इसे शोल्डर तक हमने कंप्लीट कर दिया है फिर दोनों के शोल्डर को हमने जॉइंट कर लिया है फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर कैसे जॉइंट करते हैं अगर आपको नहीं आता बिगनर्स हैं तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अब जो है इसका गला हमने बनाना है गला कैसे बनाएंगे कितने फंदे लेंगे देखिएगा यहाँ पे हमने 25 फाइव स्टिचेज़ यहाँ से लेने हैं बैक से 25 फाइव यहाँ से ट्वेंटी फाइव यानी कि टोटल आपको यहाँ पे सेवेंटी फाइव स्टिचेस लेने हैं स्टिचेस कैसे उठाएंगे देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से आपने अपने स्टिचेस उठाने हैं इस तरीके से आप जो है अपने स्टिचेस उठाएंगे जैसे नॉर्मल आप उठाते हैं वैसे ही यहाँ पे आप ट्वेंटी फाइव बैक से ट्वेंटी फाइव और दूसरी साइड से ट्वेंटी फाइव स्टिचेस उठा लीजिए देखिएगा यहाँ पे मैंने जो है टोटल सेवेंटी फाइव उठा लिए हैं अब मैंने क्या करना है इसका यहाँ पे उल्टे उल्टे का बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर लेना है टोटल मैं आठ सिलाइयाँ दे दूँगी यहाँ पर जो मैं आठ के आठ दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बना के तैयार कर दूँगी फिर उन्हें क्लोज़ कर दूँगी उसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी अगर आप बिगनर से स्टिचिंग करना नहीं आता कि कैसे आप स्टिचिंग कर पाएंगे आसानी से उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं साथ ही मैं इसके बटन भी लगा लूँगी और स्टिचिंग भी कर लूँगी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ देखिएगा यहाँ पे हमने इसके बटन लगा दिए हैं स्टिचिंग कर दी है यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से ये बटन लगाए यहाँ पे हमने दूसरे टाइप के इस तरीके के छोटे वाले बटन लगाए हैं साथ में यहाँ पे ऊपर मैंने एक टिच बटन लगाया हुआ है स्टिचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं बता देती हूँ क्या डिफरेंस है यहाँ पे ये यह जो हमने पार्ट बनाए थे यहाँ से यहाँ तक इसे आपने अलग स्टिच करना है देखिएगा इस तरीके से इस पार्ट को अलग से अंदर वाले को अलग से सेम इस साइड भी ये वाला पार्ट हमने अलग से स्टिच किया हुआ है तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से जो है फ्रंट का लुक आ रहा है ये बाजू के पार्ट है और ये बैक का पार्ट है इस तरीके से काफ़ी सुंदर हमने ये जो है बेबी बाबा सूट बनाया हुआ है ऊपर से जो है इसकी बास्केट लग रही है ये और अंदर से शर्ट का लुक क्रिएट हो रहा है एक ही स्वेटर में ये हमने दो लुक क्रिएट किए हैं अब इसके लिए ऊपर हम साथ में एक बो बनाएंगे बो हमने यहाँ पे बनाया है कैसे बनाया है मैं बता देती हूँ मैंने ये क्रोशिया पे बनाया हुआ है ट्वेंटी की चेन ली है और छः रो हाफ डबल क्रोशे की, की है ट्वेंटी की चेन छः रो हाफ डबल क्रोशे अब कैसे इसे शेप देंगे देखिएगा इस तरीके से जो है यहाँ पे आपने टू इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है इस तरीके से उसके बाद अपनी सुई लेनी है सुई में हमने यहाँ पे डबल धागा किया हुआ है और इसे इस तरीके से डाल देना है ऐसे डालने के बाद अब आप राउंड लगा लीजिए इस तरीके से ये राउंड लगाया अब यहां से सुई डाल देंगे अपनी हम इस तरीके से ये देखिएगा इस तरीके से पीछे नॉट लगा लेंगे और यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे अब मैं यहाँ पे इसे अटैच कर लेती हूँ देखिए यहाँ पे मैंने बो लगा लिया है इस तरीके से इसका लुक आया हुआ है काफी जो है सुंदर बनके तैयार हुआ है ये हमने जो है छः महीने से अठारह महीने के बच्चे के लिए बनाया हुआ है एक पार्टी वियर फैंसी सा एक ड्रेस बना के तैयार किया हुआ है आप भी इस तरीके से जो है कोट वाला जो है बास्केट वाला एक स्वेटर अपने बच्चे के लिए बना के तैयार कर सकते हैं जिससे फैंसी सा लुक आएगा ये बेबी बॉय के लिए बनाया है हमने आप किसी भी एज ग्रुप के लिए बना सकते हैं इसी तरीके से सिर्फ फंदों में चेंज आएगा बाकी प्रोसेस जो है सेम रहेगा काफ़ी सुंदर है और काफ़ी इजी है बनाने में तो आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू